Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we will study about what is absolute value. अब ये absolute value क्या होता है, ठीक है? Suppose if we have a number 2, हमारे पास ये 2 है, ठीक है? तो 2 का magnitude कितना है? ठीक, या तो आप बोल दो इसका magnitude, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 2 जो है 0 से कितना distance दूर है, ठीक है? तो 2 का कितना हो जाएगा? 2, right? लेकिन अगर हम बात करते हैं माइनस टू, ये दिस इज द सिंबल और यू कैन कॉल इट, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक। अब माइनस टू का मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखो माइनस टू है, ये जीरो से कितनी दूरी पे? माइनस टू दूरी पे, ठीक है? या फिर यू कैन से कितनी दूरी पे? टू यूनिट दूरी पे, ठीक है? तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी वो टू हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हम इसका जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव क्या, इसका डायरेक्शन शो कर रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन शो करते हैं, है ना? तो हम इसका डायरेक्शन नहीं देखेंगे, हम इसमें साइन नहीं देखेंगे, खाली हम इसका नंबर देखेंगे। तो ये जो वैल्यू होगी वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू शो करेगी, ठीक है? ऐसे ही सपोज इफ वी हैव अ नंबर -3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्लियर है? चलो अब थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज इफ वी हैव ए पार्ट एज 5/13, है ना? तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसको ये दो बार्स लगाते हैं ऐसे, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 5/13, ठीक है? नाउ वी हैव -7/17/12, है ना? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? -17/12, नेगेटिव साइन को भूल जाना है यहां पर, ठीक। जो नॉर्मल नंबर है हम वही लिख देंगे, तो ये हो जाएगी 17/12, ठीक है? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, -1 लेते हैं, ठीक है? तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्लियर है? सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी, ठीक है? 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 0 ही रहेगी, ठीक है? इफ वी हैव -18/19, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन 18/19, ठीक है? हमारे पास है 8/-5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8/5, नेगेटिव साइन कहीं नहीं आएगा, ठीक है? दो ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू, या बोलो इसकी प्रॉपर्टीज बताती हूँ, ठीक है? दो ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं पी और -p, जिनकी दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होती है। सपोज इफ आई हैव 4/3, ठीक है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 4/3। लेकिन अगर हमारे पास है -4/3, इसकी एब्सोल्यूट क्या होगी? ये भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 4/3। तो है ना, पी और -p दो ऐसे रैशनल नंबर्स होंगे जिनकी सेम एब्सोल्यूट वैल्यू होगी पी, ठीक है? 0 क्या है? 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 0 ही रहेगी, ठीक है? क्लियर है? और वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ठीक है? सबकी, आप नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी, ठीक है? थैंक यू।